हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूँ नेहा और मैं आज आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ये बोल रहा है पहला क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। तो फ्रेंड्स आप देखिए, प्रत्येक शब्द को हम सबसे पहले क्या करेंगे, विशेद कर लेंगे। प्रति प्लस एक, क्या होगा प्रत्येक। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ए बी सी डी, कौन सा है ऑप्शन हमारा यहाँ राइट होगा बी। तो क्या है प्रति, क्या है उपसर्ग। उपसर्ग जो होते हैं स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं वर्ड के। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, वैज्ञानिक शब्द में क्या करना है, हमें प्रत्यय ढूंढना है। प्रत्यय क्या होता है, जो पीछे लगाया जाता है। तो क्या होगा, विच्छेद करते हैं, विज्ञान प्लस इक, तो क्या होगा वैज्ञानिक। तो देखिए बी भी इक है, सी भी इक है, तो कौन सा वाला राइट होगा हमारा। देखिए वैज्ञानिक छोटी की मात्रा है, तो कौन सा वाला हमारा राइट होगा, ऑप्शन बी वाला राइट होगा। ठीक है, बहुत से बच्चे सी भी करके आएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या राइट होगा, ए कनक, बी अनंत, सी महावीर, डी हत्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा डी हत्या जो है वो अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द नहीं है डी हत्या। क्यों, कनक जो है सोना धतूरा गेहूं अनेकार्थी है, अनंत जिसका अंत ना हो ईश्वर और आकाश। ठीक है, चलिए बात करते हैं महावीर की। तो महावीर कौन होते हैं, हनुमान, जैन तीर्थकर भी कैसे हमारे महावीर हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन से शब्द देशज नहीं है। देशज वो शब्द होते हैं आपको पता ही होगा जो देशी भाषा में यूज कर लेते हैं, मतलब अपने आप बना लिए जाते हैं किसी भी जगह के, तो वो होते हैं देशज। तो पगड़ी, लोटा, ठेठ, तीनों कैसे हैं हमारे देशज शब्द नहीं है। ऑप्शन डी जो है हमारा सांझ, सांझ कैसा है हमारा देशज शब्द है, सॉरी देशज शब्द नहीं है, सांझ क्या है हमारा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है, शाम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, निम्नलिखित में से तद्भव है। निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है, तद्भव ए गांव, बी अमृत, सी उच्च, डी एकत्र। तो फ्रेंड्स गांव हमारा तद्भव है, तत्सम इसका होगा ग्राम, बी अमृत, उच्च और एकत्र, तीनों कैसे हैं हमारे ये तत्सम रूप हैं। तो ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए राइट होगा फिफ्थ क्वेश्चन का। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखते हैं सिक्स, मक्खी का तत्सम रूप है, मक्खी का तत्सम रूप बताना है क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जिस जिसने पढ़ा होगा पता होगा, मक्खी का जो तत्सम रूप होता है वो मक्षिका होता है। अब कंफ्यूजिंग ये है ए राइट होगा या डी होगा, एग्जाम पेपर में अगर आप कुछ एग्जाम हॉल में बैठे होते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ कंफ्यूज करती हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, आपको सही पता होगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल राइट है, इस तरीके से मक्षिका लिखा जाता है। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वर्ड भी पढ़िएगा, आपको पता चल जाएंगी चीज़ें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, ये बताना इस वाक्य में कौन सा काल है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये अपूर्ण भूतकाल है, कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल है। तो ऑप्शन हमारा ए राइट होगा। क्यों है ये अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होना प्रकट हो पर पूरा होना ना प्रकट हो। तो यहाँ पे क्या है, सुरेश गीत गा रहा था, ये पता चल रहा है बीते टाइम से गा रहा था, बट ये नहीं पता गा लिया है कंप्लीट या नहीं। तो ये कौन सा है, अपूर्ण भूत है। अगर ये होता है सुरेश ने गीत गाया था तो पूर्ण भूत होता। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। तो इसमें वाच्य बताना है कौन सा है, ए कृतवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी क्रियावाच्य। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, आम खाया जाता है में बी हमारा राइट होगा, कर्मवाच्य है। कैसे, जिसने वाच्य पढ़े होंगे पता चल गया होगा कैसे है। तो मैं आपको बता दूं, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। आम खाया जाता है, देखिए यहाँ क्या हो रही है, कर्म की प्रधानता हो रही है ना। तो चलिए ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन करना है। संयुक्त वाक्य पढ़े हैं आप लोगों ने, चलिए पढ़ के देखते हैं इसमें से कौन सा। चलिए पहले से डेफिनेशन बता देते थोड़ी सी, क्या होता है, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले होते हैं और सभी कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। इन ये कुछ शब्दों से और जुड़े होते हैं, कैसे, और, एवं, तथा, या, अथवा, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर। तो ये कैसे होते हैं हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, काम समाप्त करो और चाहो, क्या है ये, और से जुड़ रहा है तो ये संयुक्त वाक्य है। देखिए दोनों शब्द जो है हमारे प्रधान, दोनों वाक्य प्रधान भी है, काम समाप्त करो और जाओ, जाओ भी अपने आप में प्रधान है और काम समाप्त करना भी अपने आप में प्रधानता दिखा रहे हैं दोनों। तो ए हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए आगे भी देख लेते हैं, उसने गलत काम करके अपयश कमाया, इसमें तो और कहीं कुछ आ ही नहीं रहा, ये तो पहले ही गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि काम पूरा करोगे तो वर्ड आ गया, यहाँ कन्फ्यूज हो गए, जुर्माना होगा। यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, ये दोनों प्रधान, इसमें दोनों प्रधान नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं, एक ही बात कह रहा है, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, वैसे भी गलत बात कह रहा है ये, यदि काम पूरा नहीं करोगे तो जुर्माना होगा। तो ये दोनों प्रधान होते हैं आपस में, अब प्रधान नहीं है, कैंसिल है सी भी। देखिए डी, पानी ना बरसने पर तो आ रहा है, सूखा पड़ जाएगा,
पानी ना बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। प्रधाननीय, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट है, दूसरा वाला प्रधाननीय इसमें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से अव्यय है, तो फ्रेंड्स अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वो होते हैं जिसमें कोई कुछ व्यय नहीं होता है, ना तो इसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है ना इसमें से कुछ घटाया जा सकता है। देखिए, प्राचीन प्राचीनतम हो सकता है, मोटा का मोटापा कुछ भी हो सकता है, सी का गरीबी हो सकता है, और में ना तो कुछ हम बढ़ा सकते हैं ना कुछ हम घटा सकते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी राइट है, और जो है हमारा अव्यय है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध जिसने किया है देखते ही समझ गया होगा वो तो क्वेश्चन। ऑप्शन ए है निर्नुनासिक, बी छिंद्रान्वेषी, सी गतर्थ्य, डी अंतश्चेतना। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन बी छिंद्रान्वेषी जो है ये बिल्कुल राइट है, ये वर्तनी अशुद्ध है, क्योंकि छिंद्रान्वेषी में ना श षटकोण वाला श बन के ई की मात्रा ऐसे वाली चढ़ती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और जिसने नहीं पढ़े हो शुद्ध अशुद्ध शब्द। क्वेश्चन 12 है हमारा, श्रुति शम्भृणार्थक शब्द युग्म कृति कृति का उचित अर्थयुग्म बताना है, अर्थयुग्म बताना है कृति कृति का। फ्रेंड्स तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कृति पहली वाली जो कृति है ये होती है रचना, और दूसरी कृति आप ढूंढिए। तो देखिए हमारा सी और डी तो पहले ही कैंसिल हो गया, तो कौन सा वाला बचा? ए रचना निपुण, रचना कठोर। तो फ्रेंड दूसरी जो कृति होती है वो होती है निपुण, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा हमारा? ए रचना निपुण। ध्यान से पढ़िए, सब राइट होंगे आपके। दिक् भ्रम उदाहरण है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दिक् प्लस भ्रम है ना फ्रेंड्स। तो आप एक चीज़ देखिए, ये हमारी कौन सी संधि है? हमारी ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि जिसने पढ़ी होगी पता होगा कैसे, व्यंजन में क्या होता है जैसे कि दिक् प्लस भ्रम, तो क के बाद जो स्वर या व्यंजन आएगा उसके आने के बाद जो परिवर्तन क्या होता है, वो जो शब्द होता है वो तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दिग है क खा ग घा, तीसरा वाला क्या है? गा। तो गा में हो गया ना, इसको विग्रह इसको जब हम जोड़ देंगे तो दिग हो गया ना वो, तो ये हमारा कौन सा है? व्यंजन संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा हमारा? सी राइट होगा, दिग भ्रग का। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निष्पट शब्द का संधि विच्छेद है, तो क्या होगा? पड़े होंगे संधि विच्छेद, तो ऑप्शन ए साफ ने आपके बिल्कुल राइट दिख रहा है, निष्कपट। तो ऑप्शन कौन सा राइट है हमारा? ए राइट है। कौन सी संधि है, कौन सी संधि फ्रेंड्स आप बताएंगे संधि कौन सी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी में अल्प विराम चिन्ह है, तो फ्रेंड्स पहले बता दूं अल्प विराम चिन्ह कहाँ यूज किया जाता है? जहां हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह यूज होता है। कैसे? श्याम जरा इधर आना, तो क्या है? थोड़ा सा रुकी और मैं आगे चल दी कि जरा इधर आना, श्याम जरा इधर आना, तो यहाँ पे कौन सा? अल्प विराम चिन्ह। तो अल्प विराम चिन्ह कैसे लगाते हैं? ऐसे करके ऐसे लगाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन राइट है हमारा डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ सुनिए। तो अंधे को दीपक दिखाना, ए अंधे का रास्ता रोशन करना, बी ना समझ को उपदेश देना, सी ना समझ को रोशनी देना, या अंधे की सहायता करना। फ्रेंड्स तो ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, ना समझ को उपदेश देना। जिसको अकल ही नहीं है उसको आप क्यों ज्ञान बांट रहे हैं? अंधे को दीपक दिखाओगे तो उसे दिख थोड़ी ना जाएगा। तो फ्रेंड्स पता चल गया आपको सही। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोक्ति का तात्पर्य बताना है। ए तवे की रोटी, बी सभी एक समान है, सी सभी श्रेष्ठ हैं, डी रोटी के प्रकार। तो फ्रेंड्स कहती हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि ये तो सारे एक ही जैसे हैं, तो यानी कि एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी राइट होगा हमारा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 18 की। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो आप सभी को पता होना चाहिए, कौन सा होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, 1949 में क्या हुआ था, हमारी भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा राइट है हमारा? ऑप्शन ए राइट है। इसी दिन हमारा हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो ध्यान कर लीजिएगा, बार बार आ जाता है ये क्वेश्चन, बहुत ईजी है। और क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? फ्रेंड्स तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तीनों कैसी हैं ये? पूर्वी हिंदी के अंदर आती है, पर जो मगही है ना ये हमारी बिहारी हिंदी के अंदर आती है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट होगा, ये हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ब्रज भाषा का उद्भव, इसकी स्टार्टिंग मतलब इसका जन्म कहाँ से हुआ? तो फ्रेंड्स जो ब्रज भाषा है इसका जो उद्भव है, ऑप्शन क्या होगा हमारा? सैरसेनी अभ्रंश से। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी राइट है हमारा, इस वाले अभ्रंश से हुआ। ठीक है, कौन से अभ्रंश की? सैरसेनी की। पढ़ी होंगी आपने स्टार्टिंग, तो इनकी भाषाओं का उद्भव से ही है, तो पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
चलिए इसमें फिर भी मैं आपको बता दी, सैर सैनी से कुछ और हुई है, कौन कौन सी हुई है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती उपभाषा की उत्पत्ति, मतलब इन सब की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सैर सैनी से हुई है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, क्या कह रहा है ये। इस प्रश्न में पहले और अंतिम को क्रमश एक और छः की संख्या, मतलब पहला और छठा दिया गया है, बाकी सबको हमें क्या करना है, लाइन से अरेंज करना है, 11-11 इस तरीके से अरेंज करना है, ठीक है, उचित क्रम में लगाना है ताकि शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। चलिए आइए, मेरी ट्रिक तो ये है भाई, मैं तो पहले ऑप्शन उठाती हूँ। चलिए पहला उठा के देखते हैं, पहला क्या कह रहा है ये, यर लव देखते हैं। सामाजिक क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है ल, यदि क्रोध हो तो, सामाजिक क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है यदि क्रोध हो तो, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके, तो ये हमें राइट लग रहा है। चलिए इसे भी डाल देते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं। एक और बता देती हूँ, ऑप्शन बी, सामाजिक कष्टों की चिर निवृत्ति का क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, ये नहीं सेंस दे रहा, गलत है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे ऑप्शन एक ही राइट है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, अ रा, सामाजिक मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से क्रोध की जरूरत पड़ती है यदि क्रोध ना हो तो, कष्टों की चिन्हवृत्ति का उपाय ही ना कर सके, नहीं ये गलत है, ये भी गलत है। और आप डी भी मिलाकर देखिएगा, आप डी अपने आप लगाकर देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि गलत है। तो ऑप्शन कौन सा, 21 का हमारा ऑप्शन ए राइट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनना है, ठीक है। तो रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। तो फ्रेंड्स इसमें दो वर्ड आने, अपेक्षा या अपेक्षा, क्या होगा मैं बताती हूँ, पहले का होगा उपेक्षा और दूसरे का क्या होगा, अपेक्षा। तो ऑप्शन हमारा सी राइट होना है, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई, यानी कि रामू की जो उपेक्षा बुराई केवल इसलिए क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं 23 की, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताना है, कौन सा सर्वनाम है, रेखांकित है कोई वर्ड, ठीक है, तो कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो फ्रेंड्स आपने सर्वनाम तो पढ़े होंगे, सर्वनाम क्या, कोई कौन सा होगा, ये हमारा होगा ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो। तो ये कोई शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध तो हो नहीं रहा है, तो ये कौन सा है हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, निम्नलिखित में विशेषण है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, इसमें जो विशेषण है ऑप्शन डी है हमारा, शांत हमारा गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, ये हमारा गुणवाचक विशेषण है। कैसा गुण है, चलिए मैं एक चीज़ बता देती हूँ, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा या स्वभाव का पता चले, शांत होना कैसा पता चल रहा है हमें, इसके स्वभाव का पता चल रहा है, तो ये कैसा है हमारा, गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है, लंबाई बुढ़ापा और समझ तीनों क्या है हमारे, विशेष हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 25 की, वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की कौन सी क्रिया है, खाना खाकर, खाकर वर्ड को बताना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, इसमें जो है हमारा ऑप्शन बी राइट होगा, पूर्वकालिक, क्यों है पूर्वकालिक, वह खाना खाकर सो गया। डेफिनेशन बताती हूँ समझिएगा, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, मतलब एक कंप्लीट कर दी और दूसरी स्टार्ट कर दी है, तो क्या होता है, जो पहली वाली क्रिया होती है वो पूर्वकालिक होती है, मतलब उस काम को करने से पूर्व की गई है तो पूर्वकालिक होती है। तो वह खाना खाकर, खाकर सो गया, तो खाकर क्या है हमारी, पूर्वकालिक है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप के आप लोगों को मेरा पढ़ाना ठीक लगा होगा, समझाना ठीक लगा होगा, थैंक यू।